when x not equal to 0 and 0 when x equal to 0. So if we put both value x equal to 0, then the functional value will be 0 by the definition. Why, sir? I think it will be 0 by 0, which is undetermined form, but the functional value is always 0. Why, sir? Definition है ना? Definition क्या है? Signum function का definition क्या है? Sir, mod x by x when x not equal to 0 and 0 when x is equal to 0. Sir, if we put x equal to 0, तो 0 है ना? देखो definition दो part में defined है. It is not mod x by x always. आपने ध्यान से नहीं देखा definition को. Definition mod x by x when x is non-zero and 0 when x is 0. तो जब आप x को 0 पुट करोगे तो फंक्शन की मीनिंग वैल्यू 0 है, वो डेफिनेशन से ही आता है. समझ, दो पार्ट में फंक्शन डिफाइन है. फंक्शन इज डिफाइंड इन टू पार्ट्स, यू कैन ब्रेक इन टू थ्री पार्ट आल्सो. तो देखा ना, ऐसा लिखा होता है x मोर देन 0 तो 1, x लेस देन 0 तो -1, x इक्वल टू 0 तो 0. सो फंक्शन हैज थ्री वैल्यू, 1 -1 0. व्हेन x इज पॉजिटिव फंक्शन विल गिव यू आंसर 1, व्हेन x इज नेगेटिव फंक्शन विल गिव यू आंसर -1. When x is 0, function will give you value 0. क्या confusion है? हाँ, वो definition में ही 0 है. मतलब x is equal to 0 रखने में 0 आएगा, वो definition में ही है. ठीक है? Okay, sir. Yes. तो मतलब मैं ये कह रहा था, जो सिग्नम फंक्शन क्या होता है कि जो सिग्नम फंक्शन है उसका डेफिनेशन ही है कि एफ एक्स इज एक्स अपॉन मॉड एक्स व्हेन एक्स इज नॉन जीरो एंड जीरो व्हेन एक्स इज जीरो. सो आप ये कह रहे हो कि जब एक्स को जीरो रखेंगे जीरो अपॉन जीरो हो जाएगा. नहीं होगा, क्योंकि एक्स को जीरो आप यहां रख ही नहीं सकते. ठीक है ना? You cannot put x equal to 0 here. उसने कहा है जब x 0 होगा वैल्यू 0 होती है. This is the definition. इसी को हमने ब्रेक करके तीन पार्ट में किया था, x पॉजिटिव, x नेगेटिव, x x by mod x लिखा है. हाँ, x by x होगा तो x by x क्यों होगा? x by x क्यों लिखेंगे? डेफिनेशन तो x upon mod x है. Why mod x by या mod x by x, no problem. It will work. आप mod x by x लिखो, still no problem, है ना? So book में देखो, कुछ book में x by mod x लिखता है, कुछ में mod x by x लिखता है. So mod x by x, x non zero, zero when x is zero, still यही आएगा. x upon x कर दो तो one आ जाएगा, अगर x upon x करेंगे तो. So x upon x कब कर सकते हैं? जब x positive है. जब x पॉजिटिव है तो mod x is x, x upon x is 1, yes. हाँ जी सुदीप, तो बताइए, is there any more confusion? कुछ confusion है या clear हो गया? अरे हाँ ना, तो बताओ. लग रहा आवाज नहीं जा रही है.